वो मौत के मुंह से जिंदगी छीन लाते हैं, दुश्मन की जमीन पर बाजी मार आते हैं। कोई भी मिशन जो हेलीकॉप्टर को दिया जाता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव नेचर का होता है। हमें कई बार ऐसी भी जगह जाना पड़ता है जहाँ कोई स्टैंडर्ड एयरफील्ड नहीं है, जहाँ रनवे नहीं है। हर तरीके के मिशन को कंडक्ट करने के लिए, अंडरटेक करने के लिए हमें ट्रेन किया जाता है। अगर आपको कहीं ट्रूप डिप्लॉय करना है फॉरवर्ड एरिया में, या आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में किसी को रेस्क्यू करना है, ऐसी जगहों में आपको एयरबॉर्न होना पड़ता है। वो हवाओं के बाजीगर, हवाई कलाओं के जादूगर हैं, वो राहत की रीढ़ है, आक्रमण के सारथी। उनके दिखते ही हर देशवासी महसूस करता है राहत, उनकी गर्जना से हर दुश्मन की आती है आफत। एक अलग तरह का एडवेंचर है जो कि हर दिन हर पल देखने को मिलता है। हम वहाँ की टेरेन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद सॉर्टी हम प्लान करते हैं। एज अ पायलट आई वुड से यू हैव टू बी अहेड ऑफ द मशीन। पायलट बनना तो बहुत सारे लोगों का काम है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं वो जीवन जी रहा हूँ। जब आप जहाज के अंदर घुसते हैं और आप टेक ऑफ करते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। अपनी जो भारतीय वायुसेना है ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वो आसमान से आते हैं वायुदूत की तरह, अपनों के लिए देवदूत की तरह, दुश्मनों के लिए यमदूत की तरह। जब वो अपनी सरहद में रहते हैं तो अपनों को हर मुश्किल से बचाते हैं, और जब सरहद पार करके जाते हैं तो दुश्मन को उसकी हद बताकर आते हैं। ये वो है जो सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भरते हैं उड़ान। ये वो है जो कायम रखते हैं तिरंगे की शान। भारतीय वायुसेना दुनिया के असंभव से असंभव मिशन को संभव करते हुए नित नई ऊंचाई, नित नई उड़ान। आज हम भारतीय वायुसेना की ऐसी अनूठी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो उपकरणों के आगे इंसानों की कहानी है। संघर्ष को छोटा करते हौसलों की कहानी है। विजय की कहानी है, विश्वास की कहानी है। दुनिया भर की वायु शक्ति को आंकने के कई पैमाने होते हैं। इनमें विमानों की संख्या, इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक, विमानों के प्रकार के आधार पर रैंकिंग की जाती है। लेकिन मशीनों और मानव के अद्भुत तालमेल की तस्वीर बनाती भारतीय वायुसेना स्पष्ट तौर पर सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। साल के हिसाब से ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो काफी पुराने हैं, लेकिन भारत की परिस्थितियों को देखते हुए, जिन इलाकों में ये ऑपरेट करते हैं उन इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये भी समझिए कि जो पायलट इन्हें उड़ाते हैं उनका स्किल कितना ज्यादा जरूरी है, कि जरूरत पड़ने पर वो एक घर की छत पर ही लैंड कर सकते हैं। ऊंची पहाड़ियां, आपदा की स्थिति, न उड़ान के अनुकूल मौसम, न लैंड करने लायक जगह, लेकिन देश की पुकार पर हर मुश्किल से लोहा लेते हैं हमारे वायुवीर। जो हेलीकॉप्टर पायलट अपने मिशन के लिए जब वो तैयारी करता है, वो हर तरह के रिस्क के लिए पहले उसको
मिटिगेट करता है, फिर उसकी प्लानिंग के हिसाब से जब वो मिटिगेट कर लेता है फिर वो इस मिशन में जाके अपने पूरे स्किल के हिसाब से, एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसका एग्जीक्यूशन करता है। एक ट्रांसपोर्ट पायलट की मुख्य जिम्मेदारियां हैं एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, एयर मोबिलिटी एंड स्पेशल मिशंस जैसे हम करते हैं, कुड बी स्पेशल ऑपरेशंस, कुड बी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। और ये सब मिशंस हम सिर्फ अपने देश में नहीं अपने फ्रेंडली नेशंस के लिए भी करते हैं। आई एम वेरी प्राउड टू बी वेयर आई एम, इट्स अ प्रिविलेज टू वेयर दिस यूनिफॉर्म एवरी डे। एंड जब आप जहाज के अंदर घुसते हैं और आप टेक ऑफ करते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। ...2013 में जब देवभूमि उत्तराखंड त्रासदी से त्राही त्राही कर उठा था तब भारतीय वायु सेना ही देवदूत बनकर आई थी। उस भयंकर तबाही के एक ही दिन के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन राहत की शुरुआत कर दी थी। सड़कें सैलाब में बह चुकी थी, हर ओर पानी ही पानी था। आपदा के पैमाने को देखते हुए जल्द से जल्द बचाव की आवश्यकता थी। तब 48 घंटे के भीतर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने राहत कार्य शुरू कर दिया था। कहने के लिए ये एक पीस टाइम ऑपरेशन था, लेकिन इसकी योजना युद्ध की तरह की गई और किसी जंग की ही तरह इसे लड़ा गया। उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स के दौरान धरासू ALG एक्टिवेट करवाने की, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स आगे जा चुके थे बट वहाँ तक पहुँचाने कोई रास्ता नहीं था फ्यूल पहुँचाने का, क्योंकि सारी रोड्स टूट चुकी थी। इसके बाद C-130 को डिप्लॉय किया गया था, जिसमें C-130 ने पूरा का पूरा जहाज फ्यूल से भर के वहाँ जाके ऑलमोस्ट ज़ीरो विजिबिलिटी में लैंडिंग करी और फ्यूल फिर हेलीकॉप्टर्स को दिया, जिन्होंने आगे के रेस्क्यू मिशन कंटिन्यू करे। ऑपरेशन राहत विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन माना गया। इससे पहले कभी किसी वायुसेना ने इतने बड़े पैमाने पर इतने दिनों तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मदद नहीं की थी। 65 दिनों के अंतराल में भारतीय वायुसेना ने लगभग 3,600 सॉर्टीज उड़ाई, 23,893 लोगों को रेस्क्यू किया और 863 टन भार उठाया। देखिए, कोई भी मिशन जो हेलीकॉप्टर को दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का होता है, जैसे कि कहीं से कोई बाढ़ में कोई आदमी फंसा हो उसको निकालने वाला, या फिर और किसी जगह जहाँ पे फास्टेस्ट मीन में पहुँचना है, जहाँ पे रोड वगैरह नहीं है या फिर वेदर ख़राब है। तो जनरली उस टाइप के मिशन में जब हम उसको अकम्प्लिश करते हैं, फाइनली अपना टास्क पूरा करते हैं, तो एक बहुत ही गहन सेंस ऑफ अचीवमेंट हम फील करते हैं। तत्कालीन एयर चीफ ने उस समय कहा था, हमारे हेलीकॉप्टर के रोटर तब तक घूमना बंद नहीं करेंगे जब तक आप में से हर एक को हम बचा कर नहीं ले आते, उम्मीद मत छोड़िए। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे मौके आए जब दूसरों की जान बचाने में खुद की जान जाने का भी खतरा था, लेकिन एक पल को न इनका हौसला डिगा न इनके हेलीकॉप्टर रुके। इट इज़ द मोटिवेशन, जो मोटिवेशन होता है वो हमारे में भरपूर होता है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कठिनाई हो, उसका डट के मुकाबला कीजिए और जो भी देश को रिक्वायर्ड है उसको फुलफिल कीजिए। यही काम करने के लिए आए हैं और यही करने का मौका मिल रहा है और एक बहुत ही बड़े स्केल पर मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होती है। दायित्व का ऐसा ही निर्वहन जम्मू कश्मीर की बाढ़ के दौरान भी दिखा था, जब दुर्गम पहाड़ियों में लोगों के बचाव के लिए भारतीय वायुसेना ने दिन रात एक कर दिया था। पर हेलीकॉप्टर पायलट्स का काम केवल राहत में नहीं है, दुश्मनों की आफत में भी है। किसी भी ऑपरेशन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सेना के हर अंग एक साथ मिलकर काम करें, इसीलिए भारतीय सेना के जवान चाहे युद्ध के क्षेत्र में या फिर किसी एंटी टेरर ऑपरेशन में, अगर उन्हें दुश्मन के क्षेत्र में जाना हो तो उन्हें वहां तक अपनी जान को जोखिम में डालकर पहुंचाने वाले वायुसेना के चॉपर पायलट्स ही होते हैं और ये उनकी तमाम जिम्मेदारियों में से सिर्फ एक है।
उरी हमले के बदले में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी सेना के कमांडोज को सरहद पार पहुंचाने में भारतीय वायुसेना का रोल निर्णायक था। अब इन परिस्थितियों में एक पायलट की खूबियों को समझिए। रेडार की पकड़ में आने से बचने के लिए नैप ऑफ द अर्थ यानी जमीन से बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरी जाती है। ये कोई आसान काम नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल ऑन द पायलट ऑन द पार्ट ऑफ द पायलट्स एंड द क्रू टू फ्लाई एट अल्ट्रा लो लेवल्स, क्योंकि आपको नेविगेट करना होता है जब आप जा रहे हैं एनिमी टेरिटरी के अंदर। यू आर फ्लाइंग ओवर अनफेमिलियर टेरेन, तो यू हैव टू फ्लाई नेविगेट, take care that you don't hit any birds, obstructions, and at the same time ek pilot ke liye bahut important hota hai field of vision, to wo jitna aap niche hote hain wo utna limited hota jata hai, so in that restricted field of vision to continue navigating while at the same time looking out for any enemy threat are the challenges that a pilot faces when he is flying nape of earth. दूसरे देश की सरहद के भीतर सेना को दाखिल करना तकनीकी भाषा में troop insertion कहा जाता है। निश्चित जगह पर पहुंचकर पायलट को अपनी सूझबूझ से यह तय करना होता है कि किस जगह पर वो सैनिकों को उतार रहे हैं, वहां कोई घात लगाकर तो नहीं बैठा, ताकि नीचे उतरते सैनिक कहीं दुश्मन की गोलियों का शिकार न हो जाए। आप एक ऐसे टेरेन में फ्लाई कर रहे हैं जिसमें आपने कभी पहले फ्लाई नहीं किया है। दुश्मन के इलाके में आपको जाने का सिर्फ एक मौका मिलेगा और उसमें आप चूक नहीं कर सकते, तो उसके लिए पायलट्स ओवर द ईयर्स बहुत अपनी ट्रेनिंग करते हैं। उनकी जब नेविगेशन की सॉर्टीज लगती हैं वो इसी बात की प्रैक्टिस होती है कि जब आपको ऐसा एक मौका मिले तो उसमें आप फेल ना हो, क्योंकि हो सकता है उस समय जीपीएस जो एक एसेट आपके पास पीस टाइम में रहती है वो लड़ाई के समय लड़ाई के दौरान जीपीएस आपका काम ना कर रहा हो, जैमिंग की वजह से आपकी बाकी एड्स काम ना कर रही हों, लेकिन फिर भी आपको एक मैप को लेकर एनिमी के इस एक पिन पॉइंट इलाके में जाना है। इट रिक्वायर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस। तीसरी चुनौती होती है एक जगह पर होवर करना, यानी एक जगह पर स्थिर होकर हवा में एक समान ऊंचाई पर उड़ान भरना, ताकि जो ट्रूप्स उतर रहे हैं उन्हें नीचे जाने में न किसी तरह की कठिनाई हो न ही किसी प्रकार की चोट की आशंका। यूं तो हेलीकॉप्टर्स में ऑटो होवर होता है, पर हमारी वायुसेना में मशीन से बड़ा है मानव। इसी कारण एक जगह पर स्थिर उड़ान के लिए पायलट खुद ही हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करते हैं। 20-30 मीटर के ऊंचे पेड़ हैं, तो यू हैव टू होवर एट अ हाइट हायर देन दैट, और अगर इसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस कम हाइट के हैं तो यू लाइक टू रिड्यूस द होवर हाइट, ताकि जो ट्रूप्स हैं वो कम से कम समय लगाएं रस्सियों के ऊपर, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया वो उस टाइम के लिए बहुत वल्नरेबल होते हैं। तो होवर हाइट इज डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस दैट आर अराउंड दैट पर्टिकुलर ड्रॉप जोन। इसी तरह जब घने जंगलों में या दुर्गम इलाकों में मुठभेड़ चल रही होती है तब चॉपर पायलट्स की भूमिका बहुत जरूरी होती है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इस इलाके में पहुंचाना बहुत कठिन और खतरनाक काम होता है, क्योंकि लगातार गोलियां चलती रहती हैं, हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाए जाने का खतरा होता है। इन सब चीजों के लिए जितने भी पायलट्स हैं उनकी रेगुलरली ट्रेनिंग भी होती रहती है पीस टाइम में, ताकि जिस समय भी एकदम से देश हमें टास्क करता है, हमारी रिक्वायरमेंट है देशवासियों को, उस समय में हम जाके अपना टास्क पूरा कर सकते हैं। इसी तरह अगर एनकाउंटर में कोई सुरक्षाकर्मी घायल हो जाता है तो दनादन गोलियों के बीच जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित निकालने की चुनौती होती है, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इस कार्रवाई को कैजुअलिटी इवैक्यूएशन या कैसवाक कहते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी जैसे अपने आर्मी के जवान है जब वो वॉन्टेड होते हैं व्हेन दे रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, द फास्टेस्ट मीन जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उतर सकता है और उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट कर सकता है, वो आई थिंक सो दैट गिव्स मी द बेस्ट प्लेजर। ट्रूप इंसर्शन का एक और पहलू होता है, जब किसी ऑपरेशन के लिए सैनिकों को किसी इमारत तक पहुंचाना होता है तो इसके लिए एक अलग ही काबिलियत की दरकार होती है। जैसा आपने देखा होगा नरीमन पॉइंट के ऊपर एक बहुत छोटी सी छत थी जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर होवर करके ट्रूप्स को इंसर्ट कर रहा था, तो योर अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट टू शो दी स्किल्स आर प्रॉब्ली वंस इन अ लाइफ टाइम, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर अ लाइफ टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर डे।
एक ऐसी इमारत में सैनिकों को पहुंचाना जहां पहले से आतंकी काबिज हों, एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन होता है। इसमें आतंकियों की ओर से अटैक का खतरा तो होता ही है, बहुत संकीर्ण जगह पर बगैर हिले हेलीकॉप्टर को बनाए रखना होता है ताकि सैनिकों को इमारत में दाखिल होने से पहले किसी तरह की क्षति न हो। ये अपाची हेलीकॉप्टर है, भारतीय वायुसेना का सबसे नया मेहमान, एक अटैक हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना की क्षमता पूरी दुनिया में कई गुना इसके साथ बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। मसलन ये कि जब यह हवा में उड़ान भरता है तो हवा से हवा में मार रखने करने की क्षमता देता है। अमेरिका में निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात में उड़ान भरने में सक्षम है, हर तरह के मौसम के अनुकूल, युद्ध की स्थिति में अचूक है, और उड़ान के दौरान अगर दुश्मन का निशाना भी लग गया तो नुकसान झेलने की क्षमता भी है। इसके नोज पर सेंसर लगा होता है जिससे टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है। फाइटर प्लेन्स की तरह ये भी दुश्मन के क्षेत्र में आतंक निरोधी एक्शन में सक्षम है। ये डेफिनेटली अपना जो फायर पावर और एक्यूरेसी है इसमें गेम चेंजर है। सो एयरफोर्स इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस चेंज। उपकरणों से बढ़कर ये हमारे पायलट्स की कुशलता है कि कठिन मोर्चों पर वो अपने दायित्व को पूरा करते हैं। दुनिया में कोई सेना ऐसी नहीं जिसकी ग्लेशियर पर तैनाती होती है, जैसे भारतीय सेना के जवान वहां तैनात होते हैं, भारतीय वायु सेना की भी तैनाती वहां है। सियाचिन पायनियर्स 3 दशक से अधिक समय से यहां ऑपरेट कर रहे हैं। इसके तहत वो लगातार दुनिया के सबसे ऊंचे हेलीपैड्स पर लैंडिंग करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर उड़ान भरते हैं। ये खतरनाक मौसम वाला एक बहुत दुर्गम इलाका है। 1987 में ऑपरेशन मेघदूत के बाद से सियाचिन में हेलीकॉप्टर जीवन रेखा की तरह रहे हैं। एक बार सैनिक फॉरवर्ड पोस्ट पर चले जाते हैं, फिर उनका रसद हेलीकॉप्टरों द्वारा ही पहुंचाया जाता है, और 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना कोई आसान काम नहीं है। इतनी अधिक ऊंचाई पर फ्लाई करने के दौरान ऑक्सीजन की कमी रहती है, रसद पहुंचाने के लिए उन सटीक इलाकों का चयन करना होता है जहां पर पोस्ट्स हैं, वरना वो खाई में गिरकर बर्बाद हो सकते हैं। साथ ही इन इलाकों में अगर कोई पर्वतारोही फंस जाता है तो लगातार बर्फबारी और तेज हवाओं के बीच उन्हें बचाया भी जाता है। अपने असंभव मिशंस के लिए सियाचिन पायनियर्स को अब तक 62 बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वो मौत के मुंह से जिंदगी छीन लाते हैं, दुश्मन की जमीन पर बाजी मार आते हैं। कोई भी मिशन जो हेलीकॉप्टर को दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का होता है। हमें कई बार ऐसी भी जगह जाना पड़ता है जहाँ कोई स्टैंडर्ड एयरफील्ड नहीं है, जहाँ रनवे नहीं है। हर तरीके के मिशन को कंडक्ट करने के लिए, अंडरटेक करने के लिए हमें ट्रेन किया जाता है। अगर आपको कहीं ट्रूप डिप्लॉय करना है फॉरवर्ड एरिया में, या आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में किसी को रेस्क्यू करना है, ऐसी जगहों में आपको एयरबोर्न होना पड़ता है। वो हवाओं के बाजीगर, हवाई कलाओं के जादूगर हैं, वो राहत की रीढ़ है, आक्रमण के सारथी। उनके दिखते ही हर देशवासी महसूस करता है राहत, उनकी गर्जना से हर दुश्मन की आती है आफत। एक अलग तरह का एडवेंचर है जो कि हर दिन हर पल देखने को मिलता है। हम वहाँ की टेरेन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद सॉर्टी हम प्लान करते हैं। एज अ पायलट आई वुड से यू हैव टू बी अहेड ऑफ द मशीन। पायलट बनना तो बहुत सारे लोगों का काम है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं वो जीवन जी रहा हूँ। जब आप जहाज के अंदर घुसते हैं और आप टेक ऑफ करते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। जो भारतीय वायुसेना है ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट।
भारतीय वायुसेना का ये वो विमान है जिसने पाकिस्तान को पराजय का पहला स्वाद चखाया था। दरअसल 1947 में आजादी के साथ ही पाकिस्तान ने अपने कबायलियों को भेजा कश्मीर पर षड्यंत्र के तहत कब्जा करने के लिए। जब कश्मीर ने मदद की गुहार लगाई तब इसी डकोटा विमान में सवार करके भारतीय सेना के जवानों को श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारा गया था और वहां से जो पूरी कहानी है वो बदल जाती। ये भारतीय वायुसेना के पहले गर्व की तस्वीर है, ये हिंदुस्तान की पहली जीत की तस्वीर है। जैसे ही कश्मीर के राजा हरि सिंह ने राज्यारोहण के दस्तावेजों पर दस्तखत किए, भारतीय वायुसेना का ये डकोटा विमान सेना के रणबांकुरों को लेकर उड़ान भर चुका था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो पहला वॉर लड़ा, अपने पास ये डकोटा जो जहाज है, इसने उसको काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट किया। ये इसको इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा सराहाया गया था। श्रीनगर की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तानी बारामुला की दौलत देखकर लालच में पड़ गए थे। कबायली 3 दिन तक इस समृद्ध शहर को लूटते रहे, न मजहब देखते न हैसियत, कत्लेआम मचाते रहे, औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। यहां तक कि उन्होंने बारामुला मिशनरी अस्पताल की ननों को भी नहीं बख्शा। श्रीनगर से केवल 3 घंटे की दूरी पर दरिंदगी का यह तमाशा चल रहा था। अगर भारतीय सुरक्षा बल तैयार न होते तो समूचे कश्मीर की बर्बादी 3 घंटे में हो जाती, लेकिन पाकिस्तान के काले मंसूबे हमारे शूरवीरों की मुस्तैदी ने नाकाम कर दिए। आजाद हिंदुस्तान में डकोटा की इस पहली उड़ान के बूते। लेह की कच्ची हवाई पट्टी पर पहले डकोटा को लैंड किया था एयर कोमोडोर मेहर सिंह। डकोटा एक ट्रांसपोर्ट विमान था। युद्ध के मैदान में जब सुरक्षा बलों को जल्द से जल्द कहीं पहुंचाना होता है तो ट्रांसपोर्ट विमान कारगर होते हैं। संघर्ष के इलाके से लोगों को बचाकर निकालने में भी इन्हीं की भूमिका होती है, लेकिन आज ट्रांसपोर्ट विमानों की शक्ल सूरत बिल्कुल अलग है। वायुसेना के ये जो ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं उनकी अपनी बहुत बड़ी महत्ता होती है। युद्ध क्षेत्र में अगर सैनिकों को बड़ी तादाद में पहुंचाना हो तो उसमें कारगर, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि जिन देशों में कोई कठिनाई होती है, लोगों को वहां से निकाल कर लाना होता है, तो एयरलिफ्ट यही करते हैं। भारतीय वायुसेना इकलौती वायुसेना है जो C-17 ग्लोब मास्टर 3, C-130J सुपर हर्क्यूलिस और 276 तीन सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रयोग करती है और अलग अलग परिस्थितियों में इनका पूर्ण प्रयोग होता है। ये प्लेन अपने आप में एकदम खास है, ये ऑल वेदर कैपेबल है और ये टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स के पास है एंड इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं ऑपरेशनल सिनेरियो में विच हम जिसको यूज़ कर सकते हैं। हायर एल्टीट्यूड जाते ही एयर डेंसिटी कम हो जाता है, तो एयरक्राफ्ट का जो इंजन का परफॉर्मेंस है कम हो जाते हैं, हर जहाज का प्रॉब्लम है। सो दीज एयरक्राफ्ट आर सो पावरफुल, इतना पावरफुल है कि उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा लोड लेके उतना हाई एल्टीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ले बता सकता हूँ, ले इज अराउंड 11,000 feet अबव मीन सी लेवल। इस एयरक्राफ्ट वहाँ पे भी विद लोड कैन गो लैंड, गिव मैन एंड मटीरियल, लॉट ऑफ स्टफ, कनेक्ट विद सिविलियन पीपल, मेक द एंटायर मिलिट्री विच इज देयर टू यू नो उनका जिंदगी कंटिन्यू करने में काफ़ी हेल्प करता है। दरअसल हर छोटे बड़े ऑपरेशन में लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। भारतीय वायुसेना की कार्गो फ्लीट की जिम्मेदारी है निर्धारित क्षेत्र तक सैनिक और उपकरणों की जल्द से जल्द तैनाती, और इसके लिए वायुसेना के पायलट्स और इंजीनियर्स 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। कभी भी 24 आवर में कभी भी हमें कॉल आ सकता है और उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं हमेशा। हमें गर्व होता है कि हम भारतीय वायुसेना का पार्ट है और देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आर्मामेंट रोल के लिए भी जैसे कहीं जाना है तो आर्मामेंट रोल के लिए तैयार होता है, एम्बुलेंस भर्सन के लिए तैयार होता है, नॉर्मल फ्लाइंग के लिए तैयार होता है, नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, तो अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग टाइम चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम मानते हैं कि हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एयरक्राफ्ट को रेडी कर सके एज ए मेंटेनेंस टीम एंड हमारे फ्लाइंग क्रू को एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर सके कोई भी रेस्क्यू मिशन के लिए। ये मेंटेनेंस काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है जहाज का, बिना मेंटेनेंस के कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता।
संघर्ष की स्थिति में ऐतिहासिक तौर पर ट्रांसपोर्ट विमानों का बड़ा किरदार रहा है। 1971 की युद्ध में जब पाकिस्तान के साथ पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ाई चल रही थी, तब तेजी से ट्रूप मूवमेंट इन्हीं की कार्य कुशलता से संभव हुआ था। वो राष्ट्र रक्षा का जज्बा ही होता है जिससे लगातार एक के बाद एक युद्ध क्षेत्र में ये उड़ान भरते हैं। इलेवेंथ क्लास में मैंने सबसे पहली बार यूनिफॉर्म वियर की थी एनसीसी में, एंड उस दिन मुझे वो यूनिफॉर्म पहनने के साथ जो गौरवान्वित अपने आप को मैंने महसूस किया, उसके बाद मेरे दिमाग में एक ध्येय तो पक्का था कि मुझे आगे जाकर यूनिफॉर्म ही पहननी है। बस यही एक मोटिवेशन थी। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई केम टू माय ग्रेजुएशंस आई रियलाइज दैट इज़ मोर टेम्पटिंग, और इसमें जो जुनून और एक अलग तरह का एडवेंचर है जो कि हर दिन हर पल देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के मिशंस करने को मिलते हैं, उसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। फॉर अ ट्रांसपोर्ट पायलट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ यू गो, वेयर यू गो एंड वॉट यू डू। 1987 में जब पड़ोसी देश श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चल रहा था, तब ट्रांसपोर्ट विमानों और हेलीकॉप्टरों ने लगभग 70,000 सॉर्टीज उड़ाई थी। जब हम किसी ऑपरेशनल मिशन के लिए हमें मिलता है कि आप अभी इसके लिए प्लान कीजिए, तो लुकिंग एट द टेरेन हम वहाँ की टेरेन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद सॉर्टी हम प्लान करते हैं, क्या रूटिंग फॉलो करेंगे, किस हाइट पे हम फॉलो करेंगे और उस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव करने का एम क्या है उसका, तो उसके बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। करगिल युद्ध के दौरान भी भारतीय वायुसेना लगातार रणभूमि में आसमानी दबदबा बनाए हुए थी। एक तरफ फाइटर प्लेन्स की कार्रवाई थी, दूसरी तरफ जो 7,831 उड़ानें थी उनमें लगभग 45% ट्रांसपोर्ट विमानों की थी। हमें मशीन के साथ साथ इसके साथ ऑपरेट होने वाले लोगों के साथ भी बहुत लगाव होता है। फाइटर्स में जनरली सिंगल कॉकपिट्स होते हैं, अकेले फ्लाई करते हैं, इसमें चार क्रू मेंबर्स होते हैं, चार क्रू मेंबर्स के साथ साथ आपके कार्गो में भी देर आर पर्सनल हु आर देयर, तो उनके साथ में भी हमारा साथ में मिलके हम सारे ऑपरेशंस करते हैं, तो एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो लोग हैं इस जहाज में उसके साथ भी बहुत लगाव होता है। यहाँ दो अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस का जिक्र बहुत जरूरी है, एक मालदीव्स में चलाया गया ऑपरेशन कैक्टस और दूसरा ऑपरेशन राहत का वो अध्याय जो यमन में चलाया गया था। 2015 में मार्च के महीने के अंत में कोएलिशन अरब फोर्सेस ने यमन में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। वहां रह रहे 4,000 भारतीयों को फौरन निकालना आवश्यक था, लेकिन एयर स्ट्राइक के मद्देनजर इवैक्यूएशन की कोई भी कार्रवाई बहुत खतरनाक थी। अलग अलग संस्थाओं के संयुक्त ऑपरेशन में अकेले वायुसेना ने C-17 एयरक्राफ्ट के जरिए कठिन परिस्थितियों में 11 उड़ानें भरी और 2,096 लोगों को सुरक्षित वापस ले आए। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया गया। मालदीव्स की सरकार ने अपने देश में घुसपैठियों से लड़ने के लिए भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई थी। तब 3 नवंबर की रात भारतीय वायुसेना ने स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की और आगरा से पैरा बटालियन के कमांडोज को लेकर नॉनस्टॉप 2,000 किलोमीटर की उड़ान भरी। एक तरफ भारी भरकम विमानों की गर्जना, दूसरी तरफ मिराज 2000 की बेहद नीची उड़ान। दम और दबदबे का ये एक ऐसा प्रदर्शन था जहां बगैर खून बहे संघर्ष का अंत हो गया। संघर्ष के ऐसे इलाकों में केवल पायलट नहीं बल्कि वो तकनीकी स्टाफ भी महत्वपूर्ण होता है जिनके जिम्मे इन विमानों का रख रखाव होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वाले उन इलाकों में ये भी साथ जाते हैं। ऑपरेशनल और मेंटेनेंस तो हमेशा साथ चलता है। ऑपरेशनल तभी सक्सेसफुल होगा जब मेंटेनेंस पर्सन अपने पूरे स्किल के साथ, डिवोशन के साथ और एक जो उनके पास जो ट्रेनिंग पैटर्न होता है उस पैटर्न को ऑन फील्ड डिलीवर करें। वहाँ हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रहते हैं मैम, तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैन पावर में हम लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ हम जहाज को तैयार करते हैं
और हमारा जो भी मिशन रहता है या फिर जो भी रेस्क्यू मिशन रहता है या फिर जो भी कोई हेल्प करनी है वो हम करते हैं। देखने में बहुत भारी भरकम नाम है हरक्यूलिस, लेकिन ये रेत से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड कर चुके हैं। कहने का मतलब ये कि इन्हें कहीं पर भी लैंड करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए जिस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह की आवश्यकताएं होती हैं, बहुत कारगर, बहुत सटीक साबित होते हैं। लेकिन उसके साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो हाथ इन्हें उड़ाते हैं, जो पायलट इनमें सवार होते हैं, उनकी भी सूझबूझ, उनकी भी शक्ति बेमिसाल होती है। इन ट्रांसपोर्ट विमानों के किरदार बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी होती है पायलटों की सूझबूझ। इसमें समय का बहुत महत्व होता है और साथ ही जरूरत के अनुसार कहीं पर भी लैंड करने की काबिलियत। हर एयरक्राफ्ट की अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये शॉर्ट रनवेज पे, सेमी प्रिपेयर्ड या अनपेव्ड रनवेज पे भी लैंड कर सकता है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि जितना बड़ा इसका साइज है, जितना इसकी ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी है या फिर जिस तरह की एंड्योरेंस है, उसके हिसाब से इसको जो लैंड और टेक ऑफ करने के लिए जो रनवे की पट्टी चाहिए होती है वो बहुत कम चाहिए होती है, और हम अनप्रिपेयर्ड सरफेस में भी इसको लैंड एंड टेक ऑफ करा सकते हैं। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप पर लैंड करके भारतीय वायुसेना ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। 16,614 फीट की ऊंचाई पर इससे पहले C-130J ने कभी लैंड नहीं किया था। भारतीय वायुसेना के ऐसे असंभव कारनामों की कमी नहीं है। जितने भी हमने आजकल के HADR मिशन देखे हैं, कहीं पर भी कोई विपत्ति आपदा आई हुई है, वहां से पैसेंजर्स के इवैक्यूएशन के लिए लार्ज स्केल पे C-17 का यूज किया जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना के पराक्रम के किस्से एक दो नहीं, आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में भी इंडियन एयरफोर्स का योगदान बड़ा है। हमेशा कहा गया कि भविष्य के युद्ध में वायुसेना की जरूरत पड़ेगी। बालाकोट जैसे ऑपरेशन के बाद समझ लीजिए कि वो भविष्य आ चुका है। ये भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। इनकी शक्ति इस बात से समझिए कि 12 से 15 टन का वजन लेकर ये उड़ान भर सकते हैं। युद्ध के क्षेत्र में चाहे सेना का भारी भरकम साजो सामान पहुंचाना हो या फिर बड़ी संख्या में ट्रूप्स को पहुंचाना हो, ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स हर जगह कारगर साबित होते हैं। भारतीय वायुसेना के नवीनीकरण के लिए एक तरफ राफेल जैसे घातक फाइटर बेड़े में शामिल किए गए हैं, तो अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं जो युद्ध की स्थिति में आक्रमण मजबूत करेंगे। ऐसा ही किरदार है चिनूक हेलीकॉप्टर्स का। दरअसल वायुसेना में जितनी अहमियत इंसानों की है, उतनी ही अहमियत इन मशीनों की है, और दुनिया में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बेहतरीन उपकरण बहुत जरूरी, और उन उपकरणों से दोस्ती भी उतनी ही जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा कार्गो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, देखने से ही पता चलता है सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो इसकी मेंटेनेंस एक्टिविटी चैलेंजिंग तो है, तो टाइम लगता है इसको मेंटेन करने, तो उसके अनुसार हमें प्रिपरेशन कराया जाता है। वी आर ट्रेन टू मेंटेन इट, उसके अनुसार हम करते हैं। वी 24/7 हम यहाँ काम करते हैं, उस अनुसार विद इन शॉर्ट पीरियड एयरक्राफ्ट को रेडी करके फ्लाई करने के लिए भेजा जाता है। एयरक्राफ्ट जाता है फ्लाइंग पे, फ्लाइंग पे जाने का मतलब है उसके साथ हमारी कई लाइफ जाती हैं, कई फैमिलीज की लाइफ जाती हैं, तो उसको हम काफ़ी देखते हैं कि कहीं भी एक भी माइनस पॉइंट ना उस पर रह जाए, कि उसकी वजह से जो भी टास्क के लिए एयरक्राफ्ट जाने वाला है उस पर प्रॉब्लम्स आए। इंडियन एयरफोर्स एक ताकतवर फोर्स है, बेहद प्रोफेशनल और अलग अलग मोर्चों पर खुद को साबित कर चुकी फोर्स। दूसरे देशों की वायुसेना से तुलना के चार पैमाने होते हैं, विमानों की संख्या, पायलट, हथियार और एयरबेस। तकनीकी पैमाने पर हम दुनिया में खुद को चौथे नंबर पर मान सकते हैं, लेकिन पायलट्स को परखें तो हमसे आगे कौन। अपनी हर उपलब्धि के साथ ये अपने आदर्श वाक्य को सार्थक कहते हैं, जो कहता है नभम स्पृशम दीप्तम। आज के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा और कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह, हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।